नमस्कार दोस्तों, प्यार का पहला नाम राधा मोहन का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस समय पूरी तरीके से चोट तो लग चुकी है। आखिरकार आप लोग जानते हैं कि इस चोट के लगने के पीछे का पूरी जो सच्चाई है वो सभी लोगों के सामने आएगी कि हाँ, दामिनी ने कितनी अलग तरीका से इस खेल को अंजाम दिया था और दामिनी का ये खेल भी पूरी तरीके से अब खुलास होता हुआ नज़र आने वाला है। आप लोग जानते ही हैं कि दामिनी ने बहुत पहले ही इस चीज़ के लिए बोल दिया था कि हम गुनगुन को हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास पहुंचा देंगे, क्योंकि दोस्तों अकेला इस समय अटैक किस तरीका से कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पर वो छोटी बच्ची को भी आखिरकार इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि ताकि यहाँ पर सीधी सीधी मौत के मुँह में धकेला जा सके गुनगुन को। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि गुनगुन को मारने के लिए ऐसा कुछ षड्यंत्र रचेंगे वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इस समय गुनगुन के चोट लग चुकी है और मामा ने खबर दे दी है कि दामिनी हो गया काम, क्योंकि इस समय गुनगुन मर चुकी है। आप लोग जानते हैं कि राधा और मोहन इस समय परेशान हो चुके हैं उस छोटी बच्ची गुनगुन के लिए, क्योंकि दोस्तों गुनगुन को अकेला छोड़ी थी और गुनगुन के साथ में जो अब जो हुआ है वो घना ही ज़्यादा भयंकर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं है कि कुछ इस तरीका से भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार ट्विस्ट और कहानी पूरी तरीका से बदलती हुई नज़र आ रही है और कहानी भी एक नहीं बल्कि समय कई मुद्दों में बेहद ज़्यादा खास देखने को मिल रही है। साथ ही बात की जाए इस समय की, तो इस समय सभी लोग डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये एक रियलिटी है, ये एक बेहद बड़ा हकीकत है, सच्चाई है दोस्तों। क्योंकि इस समय अगर गुनगुन को कुछ हो गया तो राधा और मोहन दोनों के दोनों दामिनी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है। लव यू गाइस।